यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में जबरदस्त धमाका। शहर के सेंट्रल स्क्वायर पर मिसाइल अटैक। बड़े धमाके के बाद दहशत में खार्किव शहर सेंट्रल स्क्वायर बिल्डिंग पर पहुंचा बड़ा नुकसान। धमाके के वक्त बिल्डिंग में चल रही थी खास मीटिंग। खार्किव में मिसाइल अटैक के बाद सेंट्रल स्क्वायर बिल्डिंग के आसपास भारी तबाही। कई दूसरी इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। कई गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह। मलबे में तब्दील हुआ खार्किव शहर के सेंट्रल स्क्वायर का बड़ा हिस्सा। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटा प्रशासन। रूस के हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हुई। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने का भी अंदेशा। इमारत में मलबे में फंसे हैं कई लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव का समर्पण तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है रूसी सेना। कीव और खार्किव को भारी हिस्सों से जोड़ने वाली पुलों को निशाना बना रही है रूस की सेना। जंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए बिना कीव को घुटनों पर टेकने की कोशिश। खार्किव शहर पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस की सेना। यूक्रेन डिफेंस को कमजोर करने के लिए बरसाए जा रहे हैं रॉकेट और हल्की मिसाइलें। शहर में जगह जगह नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। सड़कों पर बने गड्ढों से धंसे कई रॉकेट और मिसाइल। यूक्रेनी सरकार को जल्द से जल्द भुट्टों पर लाने की पूरी कोशिश में कर रहा है रूस। डोनेट्स्क में रूस की सेना ने बरसाए रॉकेट। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के जरिए किए गए हमले। आसमान से बरसे रॉकेट और सामने यूक्रेन की सेना बेबस। यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा कर टूट रहे हैं रूस के हथियार। क्लस्टर बम बरसा रहा है रूस और बॉम्बर जेट्स। वैक्यूम बम के दुश्मन को निशाना बना सकता है रूस। यूक्रेन सेना लगा रही है कयास। रूस के लिए काल बन रहा है यूक्रेन का बरकतार ड्रोन। रूस के फ्यूल टैंक पर हमला किया तबाह। रूसी सैनिकों के लिए फ्यूल लेकर जा रहे थे ट्रेन। कई जगहों पर थमे रूस के टैंक। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी। शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं रूस के टैंक। आरपीजी के जरिए रूसी टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के जवान। दोनों तरफ से जवानों के बीच हो रही है भीषण लड़ाई। यूक्रेन के खार्किव में एक साथ कई धमाके। रूसी बम धमाकों की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। खार्किव में रूसी सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है। खार्किव के शहर पर नियंत्रण करने के लिए रूस के सैनिकों का हमला लगातार तेज। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले। एयर स्ट्राइक में खार्किव सिटी को हुई तबाही। तस्वीरें आई सामने। हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। जान बचाने के लिए लोगों ने इमारतों के बेसमेंट में ली है पनागा। कीव में जबरदस्त धमाकों की भारी तबाही। धमाके सड़कों पर हुआ गहरा गड्ढा। कीव की सड़कों किनारे बनी बहुत सारी बिल्डिंगों को भी हुई तबाही। कीव शहर में बाहरी इलाकों में मौजूद है रूस की सेना। शहर के हर कोने पर पहुंच रहे हैं रूस के रॉकेट। कीव में रूसी वायुसेना के कहर बरपाया। अस्पताल पर गिरा रूसी रॉकेट। रूसी हमले में अस्पताल को भारी नुकसान। यूक्रेनी आर्मी का दावा रिहायशी इलाकों पर गिरा रहे हैं रूस के बम और रॉकेट। रूस बोला यूक्रेन कर रहा है प्रोपोगेंडा। रॉकेट के यूक्रेन के मेलिटोपोल में रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक। घर की छत तोड़कर अंदर घुसा मिसाइल। पूरा घर हुआ बर्बाद। गनीमत रही कि इस मिसाइल से नहीं हुआ विस्फोट वरना बिल्डिंग पूरी तरीके से नुकसान पहुंचता। यूक्रेन के सुमी में रूस का बहुत बड़ा हमला। सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। भारी मात्रा में यूक्रेन हथियार भी कर रहा है तबाह। हमले के बाद कीव और खार्किव के बीच औखीतार सैन्य ठिकाने मलबे में हुआ तब्दील। सैन्य अड्डे पर रूसी तोपखाने से हुआ क्या हमला। रूस के बमों ने दहशत से खार्किव और कीव के लोग। यूक्रेन के खेरसोन में घुसी रूसी आर्मी हथियारों से लैस। रूसी सैनिक का शहर में कर रहे मार्च। तस्वीरें आई सामने। खेरसोन शहर के कई इलाकों पर रूस की सेना का कब्जा। रूस के सैनिक कर रहे हैं पेट्रोलिंग। रूस की एयर स्ट्राइक के बाद जल उठा कीव शहर। दूर से दिखाई दे रहे हैं आग की लपटें। लोगों में दहशत का माहौल। रूस में हमले के कई घरों को पहुंचा नुकसान। कीव शहर में यूक्रेनी सेना के कई डिफेंस अड्डे ध्वस्त। कीव शहर में करीब यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस का सेना का बड़ा हमला। रूस के हमले में मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान। सड़कों पर खड़े यूक्रेनी सेना के वाहनों में लगी भीषण आग। यूक्रेन पर रूस के हमले में सैटेलाइट तस्वीरें। एयर स्ट्राइक से एंटोनोव एयरपोर्ट पर भारी नुकसान। रूसी हमले में ऑयल टर्मिनल में लगी भीषण आग। टर्मिनल में लगातार हो रहे हैं धमाके। रूस की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं यूक्रेन के नागरिक। रूस के टैंकों को आग लगाकर ध्वस्त कर रहे हैं कोशिश। आम नागरिकों ने युद्ध से दूर रहने की अपील कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन के विनित्सा में हवाई हमले में चेतावनी। लोगों को अलर्ट करने की कर रहे हैं लगातार बज रहे हैं सायरन। बॉम्बर शेल्टर्स में छिपने के लिए तैयार हो गए लोग। यूक्रेन के हवाई हमलों से यूक्रेन में कोई जवाबी कार्रवाई।
हमलों को लेकर राजधानी कीव में अलर्ट मोड पर। अलार्म की मदद से नागरिकों को किया जा रहा है सचेत। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। यूक्रेन के खेरसोन को रूसी सैनिकों ने घेरा। खेरसोन के बाहर निकालने वाले रस्तों पर रूसी सैनिकों ने बनाए चेक पोस्ट। रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने किया दावा। अब तक 5,07,710 रूसी सैनिक मारे गए। 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन में जारी भीषण घमासान। यूक्रेन ने रूस के 29 फाइटर जेट्स को तबाह किया। 29 हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया। 60 रशियन फ्यूल टैंक्स को भी हमले में तबाह किया। कीव में हमले और तेज करने की तैयारी में रूस। कीव में मल्टी रॉकेट सिस्टम से हमले की तैयारी में रूस। मल्टी रॉकेट सिस्टम्स बेड़ा कीव के लिए रवाना। यूक्रेन पर अब तक बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस। यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं 64 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला। काफिले में रूसी टैंक, तोप, हथियारबंद वाहन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। कीव पर कब्जे के लिए लगातार हमला कर रहा है रूस। राजधानी कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना के टैंकों का काफिला। यूक्रेन के बुका में रशियन टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। यूक्रेनी सेना ने रशियन टैंक्स को रॉकेट से उड़ाया। रशियन टैंकों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सेना के पास नहीं पुख्ता प्लानिंग। कीव के बूचा शहर में रूसी सेना का जबरदस्त हमला। रूसी सेना ने बू शहर में बरसाए बम। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने किया हमला। रूस का यूक्रेन पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला। MI-35 और MI-28 यूबी फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर बरसा रहे हैं बम। रूस यूक्रेन तनाव के चरम पर। कॉम्बैट ऑपरेशन करते नजर आए रूसी सैनिक। रूस ने रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। छात्र की मौत की जानकारी। कर्नाटक का रहने वाला है छात्र। खार्किव में सुबह हुई गोलीबारी की चपेट में आने से भारतीय छात्र की मौत हुई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारियों में इंडियन एयरलाइंस। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद भारत का रुख बेहद सख्त। भारत ने नई दिल्ली में यूक्रेन और रूस के दूतावासों से की बातचीत। भारतीयों को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर बातचीत की गई और नए निर्देश जारी किए गए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रूस में के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है भारत। रूस के खारकोव बॉर्डर खोलने के में भारत की तरफ से की गई मांग। खार्किव में रास्ते भारतीय छात्रों को रूस लाकर एयरफोर्स के विमानों में लाया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिटेन की खुली चेतावनी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा यह पुतिन को नाटो देश और यूरोपियन यूनियन की ताकत का अंदाजा नहीं। रूसी सेना ने लोह लेने के लिए यूक्रेन बनाई नई रणनीति। मारियोपोल में के लिए यूक्रेन का एक और बड़ा अटैक। ब्रिगेड रवाना। दोनों सेनाओं में हो रही है आमने सामने की लड़ाई। यूक्रेन की सेना के लिए हो रहे भारी नुकसान। रूसी सेना के खिलाफ मैदान में उतरे यूक्रेन के आम नागरिक। रूसी टैंक पर यूक्रेन नागरिकों ने कार से फेंका पेट्रोल बम। पेट्रोल बम फेंकते ही रूसी टैंक में लगी भीषण आग। कार में भी लगी आग। यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी पर जोरदार पलटवार कर रही है। यूक्रेनी बमबारी में ध्वस्त हुए रशियन टैंक। हमले के बाद टैंक छोड़कर भागे रूसी। यूक्रेन में हमले के बाद रूसी सैनिकों का उत्पात। सुपरमार्केट में रूसी सैनिकों ने लूटपाट की। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई सारी करतूत। यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को किया आदेश। हमले के लिए तैयार रहे। फायरिंग मोड पर रखी गई रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें। रूस की आर्मी कमांड यूनिट हमले के लिए तैयार। यूक्रेन पर रॉकेट और हल्की मिसाइलों से हमले कर रही है रूस की सेना। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को खतरा मंडरा है। रूस की चेतावनी पर बाइडेन बोले अमेरिका को परमाणु जंग से डरने की जरूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन प्रतिनिधि का बड़ा बयान। पुतिन की तुलना हिटलर से की। पुतिन वैसे ही सुसाइड कर लेंगे जैसे 1945 में शख्स ने किया था। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच नाटो का सुरक्षा कवच। तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन के आसमान में पेट्रोलिंग करते दिखे नाटो के विमान। जंग में यूक्रेन की मदद के आगे आया कनाडा। रूस के खिलाफ यूक्रेन को देगा एंटी टैंक हथियार। यूक्रेन में दूतावास की एडवाइजरी। आज हर हाल में कीव छोड़े सभी भारतीय। ऑपरेशन गंगा की वायुसेना के ग्लोब मास्टर की भी तैनाती। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 8वीं-9वीं उड़ान पहुंची दिल्ली। स्वदेश लौटे भारतीयों का केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। यूक्रेन मिशन जारी है।